अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, हाउ आर यू ऑल। एज़ यू नो वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो द टू किंगडम्स ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम, मुनेरा एंड प्रोटिस्ट्स। नाउ वी विल हैव टू डिस्कस फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। द फर्स्ट इज किंगडम फंगी। For this, we will have to read page number 4 of our book, Fungi. Some fungi are made of one cell. Kuch fungi ek cell pe bani hoti hai. Many fungi are made of more than one cell. Aur bahut sari fungi aisi hoti hai jo ek se zyada cell pe bani hoti hai. Such fungi have filament-like bodies. Inki filament-like bodies hoti hai. Fungi need moisture for growth. इन्हें उगने के लिए नमी की ज़रूरत होती है. They do not have chlorophyll. उनके पास chlorophyll नहीं होता, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ का रंग हमें green नज़र आता है, जैसे कि plants का. So they cannot make their own food. इसलिए वो अपनी food नहीं बना सकते. They absorb food from the place where they live. वो food वहाँ से लेते हैं जहाँ पे वो रहते हैं. यीस्ट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फंगी. यीस्ट हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक फंगी है जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आती है. एज़ यू कैन सी इन द पिक, दिस इज़ यीस्ट. राइजोपस इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड. इट ग्रोज ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स. ये हमारे पास नमी वाले ब्रेड और फ्रूट्स पे उगती है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, राइजोपस. द मशरूम्स आर अम्ब्रेला लाइक. दे ग्रो ऑन पाइल्स ऑफ रोटन मैटर. As you can see in the picture, ये हमारे पास मशरूम्स हैं और ये गले सड़े मादे के ऊपर उगती हैं. As you can see, do you know where is the red arrow? Some mushrooms can be eaten, but some mushrooms are poisonous. कुछ मशरूम्स को हम खा सकते हैं, खाने के काबिल होती हैं, लेकिन कुछ मशरूम्स पॉइजनस होती हैं, वो जहरीली होती हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एट द पॉइंट ऑफ रेड एरो, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. मोर देन 100 टाइप्स ऑफ मशरूम्स हैव द एबिलिटी टू ग्लो लाइक फायरफ्लाइज एट नाइट. 100 टाइप से ज़्यादा मशरूम्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो फायरफ्लाइज की तरह रात को ग्लो कर सकती हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. नाउ द नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम प्लांटी. एट द पेज नंबर 4 ऑफ आवर बुक प्लांटी. These organisms are made of more than one cell. ये एक से ज़्यादा सेल पे बने होते हैं. They are called plants. इन्हें हम plants कहते हैं. They have chlorophyll in their leaves. इनके पत्तों में chlorophyll होता है. So they are able to make their food by using the energy of the sun. As we discussed in previous video, the process of photosynthesis. सनलाइट की मौजूदगी में ये अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं. ड्यू टू क्लोरोफिल देयर लीव्स आर ग्रीन इन कलर. इनके पत्ते ग्रीन नज़र आते हैं क्लोरोफिल की वजह से. एंड द नेक्स्ट इज किंगडम एनिमेलिया. एट द पेज नंबर 5 ऑफ आवर बुक एनिमेलिया. दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो मेड ऑफ मैनी सेल्स. ये ऑर्गेनिजम्स भी काफ़ी सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं. दे आर कॉल्ड एनिमल्स. दे डो नॉट हैव क्लोरोफिल. इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता,
so they cannot make their food. They can move from one place to another. ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. As you can see at the point of red circle, point to ponder. What is the difference between the paws of hen and duck? Hen और duck के paws में क्या फ़र्क होता है? Paws से मुराद उनके पंजे हैं. As you can see in the pic, duck के paws एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. पॉज की जो फिंगर्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं एक मेम्ब्रेन के ज़रिए, एक झिल्ली के ज़रिए वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. कि जो पॉज की फिंगर्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं. ये इनके पॉज का डिफरेंस है. नाउ आई विल टेल यू, अ डक्स क्लॉज आर वेब्ड इन नेचर. डक के जो क्लॉज होते हैं वो वेब्ड होते हैं. वेब से मतलब कि वो उसकी फिंगर्स मेम्ब्रेन के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ी होती हैं. वेब्ड क्लॉज आर यूज़फुल फॉर स्विमिंग इन द केस ऑफ अ डक. वेब्ड क्लॉज जो होते हैं वो स्विमिंग में बहुत यूज़फुल होते हैं. दे हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन द वाटर. दिस इज़ द रीज़न वाई अ डक इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ वाटर बर्ड. इस वजह से उसे वाटर बर्ड कहते हैं. At page number 18 of exercise, now the question is, what is the similarity between fungi and animals? This is the part number 4 of question number 2. Now the answer is, as you can see the underlined area, they do not have chlorophyll. And in animalia do not have chlorophyll. So the answer is they do not have chlorophyll. This is all for today. I think you can understand. Thank you so much and goodbye.